सो ही गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले आप लोग इंडस गेम के रिगार्डिंग। आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आए थे मनु भाई इंडस का बेटा जस्ट कब देखने को मिलेगा, इंडस गेम की रिलीज डेट क्या होने वाली है। अगर आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आए थे मनु भाई इंडस के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट्स नहीं निकल कर आ रही है। हां गाइस बिल्कुल सब कुछ बताने वाला हूं, साथ ही में आप लोग के न्यू कैरेक्टर के लिए भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही है, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। और स्पोर्ट की बात की जाए तो गाइस आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, कुछ टाइम पहले 28 अक्टूबर को CP5 हुआ था जो की स्पोर्ट प्ले टेस्ट हुआ था, जिसमें गाइस ओरंगटान जैसी बड़ी बड़ी स्पोर्ट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनका 10 लाख का टोटल प्राइस पूल रखा गया था, जिसमें विनिंग टीम को फर्स्ट प्राइस पूल पे यहाँ पे 5 लाख रुपए भी मिले थे। तो टोटल 5 मैच होते, जिसमें से हर एक मैच में विनिंग टीम ने बढ़िया प्राइस जीता है, जिसका गेम प्ले आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं वीडियो में भी यहाँ पे लगा दिया हूं। तो ये सब देखकर आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि भाई इंडस स्पोर्ट को लेकर भी कितना ज्यादा सीरियस है, एंड गज भाई आप लोगों को गेम भाई स्पोर्ट लेवल पर देखने को मिलने वाला है। मेरे हिसाब से यार इंडस की टीम जिस हिसाब से डेवलपमेंट पे वर्क कर रही है, एंड गज जिस हिसाब से भाई इंडस गेम यहाँ पे आप लोगों की बड़ी बड़ी स्पोर्ट टीम को भी बुलाकर फीडबैक ले रहा है, एंड गज उस पर वर्क कर रहा है गेम को इम्प्रूव करने के लिए, तो भाई गेम बहुत ही बढ़िया निकल कर आने वाला है। बट गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है इंडस इंडियन आर्ट एंड कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला गेम है, और गाइस ये इंडिया का फर्स्ट फ्यूचरिस्टिक बैटल गेम होने वाला है। और गाइस आप लोग जानते हो इंडिया में कितने सारे रियल लाइफ इंडियंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनको गाइस रियलिटी में काफी सारा नेम एंड फेम मिलना चाहिए, बट गाइस उनको कोई जानता तक नहीं है, ना ही गाइस उनको उतना फेम मिल पाता जितना उनको डिजर्व करते हैं। ऐसे लोग जिनको हमें हीरोज की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, जो हमारे इंडिया को भाई आगे लेकर जाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, बट गाइस उन्हें कोई जानता तक नहीं है। अगर गाइस हम लोग अपने इंडियन साइंटिस्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड बाकी लोगों को सपोर्ट और अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम लोग बाहर की कंट्रीज के आइंस्टीन एंड रोनाल्डो को सपोर्ट करते रहेंगे? इट्स टाइम टू मेक एंड सेलिब्रेट आवर इंडियन हीरोज। और गाइस इंडस गेम ने पहले हिना सिद्धू के कैरेक्टर को लाकर भी ये किया है, एंड गाइस अब फिर से इंडस गेम ने एक न्यू कैरेक्टर पोखरान रिलीज किया है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी निकल कर आ चुका है। ये अवतार इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर यानी गाइस इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड ओमीजे बाबा का कैरेक्टर होने वाला है। आपने इस कैरेक्टर का थोड़ा सा प्रीव्यू तो स्पोर्ट प्लेटेस्ट की क्लिप्स में और गेम प्ले में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो गाइस मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट गाइस अभी ये जो कैरेक्टर है ऑफिशियली यहाँ पे इंडस की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, एंड इसका ऑफिशियल ट्रेलर वगैरह सब कुछ निकल कर आ चुका है। इंडस ने जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया था तो फिर ट्रेलर के एंड में गाइस आप लोग को देखने को मिलेगा हैप्पी बर्थडे बाबा, एंड पोखरान वो जगह है जहाँ पे इंडियन न्यूक्लियर बॉम्ब का फर्स्ट टाइम टेस्ट किया गया था। ये एक माइलस्टोन मूवमेंट था, एंड उसी माइलस्टोन को इंडस होनर कर रहे हैं पोखरान के थ्रू। अब देखो इस कैरेक्टर की कहानी क्या है इन गेम, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये पोखरान यक्षा यानी कि इंडस के लोगों का एक रोबोट हुआ करता था। यक्षा मतलब इंडस के ओरिजिनल रोग, तो यक्षा सिविलाइजेशन को पोर्टेबल पावर की जरूरत थी फॉर डेवलपमेंट। यूजुअली वो लोग जो गेम के एंड में विक्ट्री के टाइम आप लोग को कॉस्मियम देखने को मिलता था एज ए पावर यूज करते थे, बट बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर कॉस्मियम पावर प्लांट्स के थ्रू पावर पहुंचाना मुश्किल था, क्योंकि कॉस्मियम को एज ए पावर सोर्स हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड एंड रिस्की हो जाता है, इसलिए गाइस पोखरान को बनाया गया। पोखरान एक पोर्टेबल पावर स्टेशन की तरह काम करता था, उसके पेट बेली में यानी कि पेट में एक पोर्टेबल एनर्जी रिएक्टर है, और पोखरान हर एरिया में रीच कर सकता था ताकि जहां पावर की जरूरत हो वहां पहुंचाया जा सके। काफी साल बाद जब यक्षा सिविलाइजेशन गायब हो गई तो ये पोखरान रोबोट्स ब्लैक मार्केट में बेचे जाने लगे, एंड इवेंचुअली जब कोवन को पोखरान रोबोट्स मिले तो उन्होंने इसे मिथवकर्स के लिए एक अवतार बना दिया अपने कॉस्मियम हंट के लिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से इन गेम स्टोरी आप लोग के पोखरान कैरेक्टर की होने वाली है, एंड यार काफी ज्यादा ओपी कैरेक्टर यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं जो कि यार इंडस ने अभी अभी नए नए लॉन्च किया। अब देखो गाइस आप लोग के मन में एक डाउट तो आ ही गया होगा कि अब इसमें इंडियन हीरोज कैसे है, तो मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा कहा जाता है कि पोखरान को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि लेट साइंटिस्ट ओमीजे बाबा थे, जो कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे। उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट था इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनाने में। वैसे तो गाइस रियल लाइफ में होमी बाबा की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई थी, बट इंडस की स्टोरी के हिसाब से देखी जाए तो गाइस कुछ मिथवकर्स ने रेस्क्यू किया था और उनको फिर इंडस पे ले आए गए। वहां उन्होंने पोखरान को क्रिएट करा। पोखरान के पीछे की इंस्पिरेशन पोखरान है जो कि राजस्थान में है, एंड जहां पे इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो आप लोग के न्यू इंडस के अवतार पोखरान से रिलेटेड ये कुछ नई अपडेट्स एंड स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोग को बताई है। एंड इंडस गेम के आने से यार काफी सारे लोग इस कैरेक्टर के बारे में जानने के बाद यार हमारे जो होमी जी बाबा थे उनके बारे में जानेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडस भी यार उन लोगों को नेम एंड फेम दिलाने की कोशिश कर रहा है जिनको यार आज तक भाई कोई जानता तक नहीं है, ना ही गाइस उनको नेम एंड फेम इतना मिला है। अब मुझे पता है गाइस आप लोग यही पूछ रहे कि मनु भाई इंडस गेम कब आएगा या फिर इंडस का बेटा वर्जन हम लोगों को कब देखने को मिलेगा, हम लोग कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस देखो अभी इंडिया ने जब पहले ट्रेलर लॉन्च किया था तब बोला था कि भाई दिस फेस्टिव सीजन में हम लोग को इंडस का बेटा टेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखा जाए तो यार दिवाली इससे बड़ा कोई फेस्टिव होता नहीं है, बट गाइस दिवाली भी जा चुका है लेकिन अभी तक हम लोग को बेटा टेस्ट देखने को नहीं मिला है, ना ही गाइस हम लोग को इंडस की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पे चांसेस है गाइस आप लोग को न्यू ईयर तक हमारे इंडस पर क्या पता इंडस का बेटर रेस्ट देखने को मिल जाए, या भाई होली तक भी आप लोग का ये जा सकता है। देखो यार रिलीज डेट के लिए तो मैं आप लोग कुछ भी नहीं कर सकता, अभी गेम डेवलपमेंट में चल रहा है, एंड जब तक पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता, जब तक आप लोग के लिए खेलने लायक नहीं बना दिया जाता, तब तक तो यार आप लोग को गेम प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यार ये चीज आप लोग भी जानते हो, कोई भी इंडियन गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी हो या गाइस कोई भी गेम डेवलप हो रहा हो, जब तक भाई आप लोग के लिए रेडी ना कर दिया जाए, अगर आप लोग को मतलब कि पहले से ही गेम खेलने के लिए मिल जाए रेडी भी अच्छे से ना
ना किया जाए, फटाफट से भाई दे दो भाई गेम दे दो खेलने के लिए, ऐसा हो जाए तो गज फिर आप लोग को वो मज़ा नहीं आएगा, ना ही गज आप लोग उतने मज़े कर पाओगे गेम में, कुछ ग्लिच देखने को मिले, कुछ बग्स देखने को मिलेंगे तो वो फिर गेम फेल हो जाता है। इससे अच्छा गज आप लोग वेट करो, जब गेम आएगा तो बढ़िया तरीके से आएगा, बढ़िया आप लोग को खेलने को मिलेगा, बढ़िया गेम एक्सपीरियंस हम लोग को मिलेगा। तो इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या चाहिए, गेम आने का आप लोग वेट कर लीजिए, जब आएगा तब मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी के लिए ऐसी कोई यहाँ पे कन्फर्म डेट निकल कर नहीं आ रही है। बाकी गज देखो बेटा वर्जन की बात करूँ तो मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, पहले तो आएगा रोड टू बेटा, यानी कि पहले हम बेटा वर्जन आने से पहले ही कुछ नंबर ऑफ प्लेयर्स को हमारे बेटा वर्जन खेलने के लिए दिया जाएगा, जो कि यार पता लग जाएगा कि कौन से डिवाइस में किस तरीके से गेम चल रहा है या किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो क्या आप लोग के फोन में सही तरीके से वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा। उसके बाद में गज आप लोग को वो मतलब बेटा टेस्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सारे प्लेयर्स को मिलेगा, एंड उसके लिए भाई आप लोग को एक्सेस की चाहिए होगी। उसके लिए गज आप लोग इंडस के डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो ज़्यादातर इंडस वालों का यही होता है कि भाई इंडस के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पर ही ज़्यादातर एक्टिविटीज आप लोग को देखने को मिलेगी, जो भी कुछ अनाउंसमेंट होगी वहीं पर आप लोग को देखने को मिलती है, या जो बेटा किस देखने को मिलेगी यानी कि आप लोग को गेम खेलने के लिए बेटा किस चाहिए होंगी, वो भी इंडस के डिस्कॉर्ड मेंबर्स को ज़्यादातर दी जाएंगी, तो आप लोग को भी मिल सकती है। तो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दे दिया इंडस के, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक ले बाय बाय।